कारावल में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज समीर का बर्थडे है और वैलेंटाइंस डे भी है, और वैलेंटाइंस डे मैं मनाती नहीं हूँ वैसे तो, ऐसा मतलब कोई सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। और समीर का बर्थडे भी हर साल ऐसे ही सिंपल सा बनता है, और इस बार मैंने सोचा था कि कोई सरप्राइज दूँगी मतलब, लेकिन हाँ बस मैं मतलब कुछ ऐसा सजावट वजावट नहीं कर रही घर की, बस अच्छा खाना बना लूँगी। मतलब अभी मैं छोले भटूरे बनाऊँगी, और ऐसा कोई सेलिब्रेशन बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हम लोग, बस घर में अच्छा बना के खा लो यार, बर्थडे यही होता है हम लोग मतलब हम लोगों में तो यार, मिडिल क्लास लोगों में तो बस यही है बर्थडे। तो अभी समीर और आज के दिन भी काम पे गए हैं। ओह माय गॉड, यस समीर काम पे गए हैं, और आज मैंने ये न्यू बेडशीट बिछाई है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये बेडशीट। ओके तो अभी मैं बना रही हूँ छोले, और मैंने सोचा था भटूरे बनाऊँगी, लेकिन भटूरे मुझसे ठीक से बनते नहीं हैं, तो मैं बना रही हूँ पूड़ी और छोले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोले उबलने रख दिए हैं और पूड़ी का आटा भी गूंद के रख दिया है, बस अब मैं बस बना ही रही हूँ। आगे की पूरी वीडियो में वॉइस ओवर कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं लाइव में मतलब लाइव ब्लॉगिंग करती हूँ तो क्या बोलूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट डे है ये, समीर किन ने नेक्स्ट डे छुट्टी करी थी, जबकि उनको पहले दिन मतलब बर्थडे वाले दिन ही करना चाहिए थी वैलेंटाइंस डे के दिन, लेकिन नहीं कर पाए थे। तो ये नेक्स्ट डे है, और उस दिन मैं शूट करना भूल गई थी, मतलब छोले बनाए फिर खाया पिया और सो गए, केक वगैरह कट नहीं किया था, और बहुत ही सिंपल सा बर्थडे गया यार समीर का। मैंने जो जो प्लान सोचा था सरप्राइज सब फेल हो गया, मतलब हाँ बस ये है कि मैंने जो शर्ट ऑर्डर की थी वो अभी तक नहीं आई, मतलब यार बर्थडे निकल गया। ठीक है, बर्थडे के बाद भी गिफ्ट हम दे सकते हैं, तो वो मैं मतलब अभी तक तो आई नहीं है, वो जब आएगी तो मैं उसको पैक करवाऊंगी चुपके से, और फिर मैं समीर का रिएक्शन वीडियो में ज़रूर लूंगी कि मतलब उनका रिएक्शन क्या होता है शर्ट देख के, क्योंकि उनको ऐसी शर्ट लेनी थी जैसी मैंने ऑर्डर की है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, और हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, और बिरयानी की रेसिपी आप लोग बहुत टाइम से मांग रहे हो यार, लेकिन मैं पता है मैं बना नहीं रही थी क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी थी, और चावल से और सर्दी पड़ती है इसलिए, लेकिन अब भी तो यार गर्मी है टाइप की लग रही है थोड़ी थोड़ी, और सर्दी निकल गई है, तो मैंने सोचा चलो ज़रदा बिरयानी बना लेते हैं। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, मतलब आलस भी आता है ना यार। तो यहाँ पे आधा किलो मैं चावल ले रही हूँ, आधा किलो मैं चिकन लूँगी, और इस मेज़रमेंट से अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और ये सिंपल सी मैं रेसिपी इंस्टेंट में बिरयानी बनाती हूँ, मतलब कोई मैरिनेशन नहीं कुछ नहीं, सिंपल सी मेरी रेसिपी है, और इतनी टेस्टी बनती है ना गाइस कि बिलीव मी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल में जो है ज़ीरा और लौंग पत्ता दौड़ा वगैरह सब डाल दिया था, उसके बाद मैंने प्याज लाल करी, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाली, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और सौंफ का जो पेस्ट होता है पिसा हुआ वो डाल दिया, उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें नमक, और नमक अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा चम्मच है, अगर आपका बड़ा है तो उस हिसाब से देख लेना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और तब भी मतलब कम ही लग रहा था नमक, मैंने 3 चम्मच डाला था उसके बाद भी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिर्ची भी डाली, मिर्ची और अगर आपको अच्छा लगता है तो डालना, वैसे तो ऐसा कोई कलर चेंज नहीं होता है बिरयानी का, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेड मतलब हल्का सा ब्राउन टाइप की हो जाती है बिरयानी ऐसे, और यही मसाला है मतलब यही है जो भी है। इसके बाद हमें प्याज का कोई पेस्ट मेस्ट नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सिर्फ अदरक लहसुन का ही पेस्ट डलता है, तो इसी तरीके से बनती है। और यहाँ पे मैंने आधा किलो ये चिकन है ये ले लिया है, और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, और इसको अच्छी तरीके से भूनने के साथ साथ फ्राई भी हो जाएगा ये इसी में,
क्योंकि हमने अलग से फ्राई नहीं किया, हम लोग हमने सिर्फ डायरेक्ट वॉश किया और डाल दिया, तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई भी करना ज़रूरी है। तो इसको मैं बहुत टाइम तक अच्छे से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये चावल लिए हैं, इनका नाम है गोल्डन सेला, ये बहुत ही अच्छे चावल होते हैं, तो आप देख लेना जो उनसे भी चावलों से बनाना चाहो। वैसे मैं इसी से बनाती हूँ, ये गोल्डन सेला बहुत अच्छे लगते हैं और ये गोल्डन लगते हैं, लेकिन ऐसे अभी मैंने ना इसको गला दिया था तो ये 15 मिनट तक वो भीगे हुए चावल हैं, तो इनका कलर सफ़ेद हो गया, ये गोल्डन आते हैं वैसे, मतलब वैसे पीले पीले टाइप के कलर में रहते हैं ये। ओके, यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए और अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिला दिया, और ये इंस्टेंट बिरयानी है, कोई मैरिनेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैंने पकाया है, तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और सबका अपना अपना तरीका होता है यार, कोई यखनी वाली बनाता है, कोई कैसी बनाता है, लेकिन मैं तो सिंपल यार डायरेक्ट बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की बिरयानी, क्योंकि होटल जैसी लगती है यार, मुझे ऐसा लगता है कि होटल से लेके आए हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। और ये ना इग्नोर करना बनते टाइम, क्योंकि समीर देख के कह रहे थे ये लाल लाल, मतलब वो सोच रहे थे कि ये कैसी, मतलब सालन टाइप की ऐसी कैसी बना रही हो, लेकिन ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी फिक्र मत करना, बनने के बाद देखना रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, मतलब पूरा जो है पानी चावल पी लेते हैं, चावल भी गल जाएंगे और हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा, उसके बाद पूरा पानी गायब हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक साइड में ये थोड़ा सा पानी में जर्दे कलर फूड कलर है ये, तो ये कलर है ऑरेंज कलर है ये, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिला के रख दूँगी एक साइड में। एक साइड में मैं बना रही हूँ जर्दा, और जर्दे की रेसिपी आप लोग मत देखना, क्योंकि बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं बनाता, हल्का सा मतलब ऐसा बना था, अजीब सा लग रहा था, हलवे हलवे जैसा हो गया था जर्दा, तो उसकी रेसिपी आप लोग मत देखना, देख लेना, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं मतलब गलत नहीं बता रही हूँ, अगर आप लोग अच्छे से बनाओगे तो बन जाएगा। मैंने पता है क्या मिस्टेक करी थी वो मैं लास्ट में बता रही हूँ, अभी जो मैं कर रही हूँ एकदम सही, सब कुछ सही जा रहा है, जर्दे का भी जैसे कि पानी डाला पहले और फिर थोड़ा सा रंग डाला, फूड कलर डाला, उसके बाद चावल डाल दिए हमने, और चावल भी मैंने सेम लिए हैं गोल्डन सेला, और बस अब हम इसको मतलब चावल को जो है वो पकने देंगे, और जब मतलब 100% अच्छे से पक जाए उसके बाद इसको छान के निकालना होता है। तो यही चीज़ सब कुछ मैंने सही किया था, लेकिन मैंने बताऊंगी अभी मैंने क्या मिस्टेक करी थी। और यहाँ पे बिरयानी को मैं बार बार चेक कर रही थी कि मतलब, क्योंकि कुकर में बनाते तो ज़्यादा ईजी होता गाइस, सच बताऊँ तो बिरयानी को कुकर में भी बना सकते हैं, चिकन बिरयानी कुकर में बहुत ही अच्छी बनती है, तो ट्राई ज़रूर करना। और ये बन चुकी है हमारी बिरयानी, और कोई कह नहीं सकता कि वो सालन कहाँ गया, रेड रेड। ओके गाइस, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक ये करी थी कि मैंने उसी भगोने में शक्कर डाल दी, उसी में सब कुछ डाल दिया, तो ये नहीं करना है। आप रेसिपी यूट्यूब पे अलग चैनल पे सर्च करके देख लेना। और यहाँ पे मैंने समीर को सर्व की बिरयानी, और यम्मी, इतनी टेस्टी बनी थी, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना गाइस, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ज़रदा भी मतलब खाने में अच्छा था, बस वो थोड़ा सा ना चिपचिपा टाइप का अजीब सा हलवे जैसा दिख रहा था, बाकी खाने में बहुत यम्मी था, और दोनों चीज़ मैं मिला के खाती मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे ही हम लोगों ने मतलब सेकंड डे वैलेंटाइन डे का अच्छा गया।